गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है हमारा डे टू दुबई में और सुबह ही सुबह देख लो हो गए हम लोग नहा धोकर एकदम रेडी। और मम्मी तो भाई मतलब इस वाले जगह में बैठ के नीचे का मेट्रो और इधर का ये बिल्डिंग सब एंजॉय करते रहती है। मैं बोला चलो मम्मी बस बोर्ड नहीं होना चाहिए, मम्मी को अच्छा लगना चाहिए यहाँ पे। और अभी तक तो मम्मी को यहाँ पे काफी सही लग रहा है। इनफैक्ट जो कल हम लोग धोआ मरीना क्रूज में गए थे वो मम्मी को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, जो बार बार आके मेरे ऊपर घुमा के जो नाच रहे। अच्छा अच्छा वो डांस ना, हाँ 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 वो डांस भी कमाल का था। क्या उसको डांस बोलते है पता नहीं, शायद कोई ट्रेडिशनल डांस था या क्या। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। फिलहाल अभी टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट का, आज भी काफी लंबा डे है, आज हमें करना है दुबई सिटी टूर, डेजर्ट सफारी भी आज ही करना है, देखो कैसे कैसे क्या होता है। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, जल्दी से जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये रेस्टोरेंट है क्रिस विथ अ व्यू। हाँ भाई व्यू तो है कमाल का। अभी हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, ये सारा होने वाला है हम लोगों का ब्रेकफास्ट। और भाई बहुत सारा ऑप्शन था ब्रेकफास्ट में इनके पास, बहुत टाइप का वेराइटीज था। खाने का ऑप्शन अच्छा खासा था ना मम्मी? चुन चुन के हम लोग लाए तो इतना लेकर आए। और सामने ही में देख लो यहाँ पे दुबई फ्रेम भी दिख रहा है, और वो जो लंबा वाला बिल्डिंग दिख रहा है ना वही अपना बुर्ज खलीफा। और यहाँ का ट्रैफिक देखो एक बार, कैसे एकदम लाइन से ही है, मतलब कोई ना किसी को ओवरटेक कर रहा है ना कुछ, ये काफी सही लगा। फिलहाल देख लो ये अपना ब्रेकफास्ट है, जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं दुबई सिटी टूर के लिए। वैसे अभी तक तो मुझे ये होटल बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप दुबई आ रहे हो तो वो जीबोरा ये सब के चक्कर में ना पड़ के। वैसे इस साइड में कितने लोग आते हैं ना, तो वो जीबोरा बोलकर एक होटल है जो टॉलेस्ट होटल है, तो मैक्सिमम लोग उसी को प्रेफर करते हैं और बहुत सारा उस पर वीडियो भी बन चुका है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको बता दूंगा यहाँ का खाना कैसा लगा हमें, स्पेशली मम्मी को कैसा लगा खाना। मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे उतना फर्क नहीं पड़ता, मम्मी को अच्छा लगना चाहिए। दुबई को देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। तो सच बताया तो अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि बस ऑलरेडी आकर वेट कर रहा था, जो वेटिंग टाइम था वो 10 मिनट से ज्यादा, वो वेट भी नहीं कर सकते थे। ये एक दिक्कत होता है अगर आप पैकेज में घूम रहे हो ना, आपके हिसाब से सब कुछ नहीं चलेगा। अगर आपका पर्सनल कैब है तब तो फिर आप जितने भी देर वेट कर लो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल देख लो यहाँ पे कितना बड़ा H&M का शोरूम। चलो कोई नहीं, अभी करवाते हैं आपको दुबई का सिटी टूर, क्या क्या दिखता है मुझे वो आपको दिखाते हैं। मम्मी इस वाले साइड में बैठ गई है। और ये जो दुबई का सिटी टूर होगा ना ये बस में होगा, देख लो और भी अलग अलग होटल से काफी लोग हैं। तो अभी चल रहा है बस से हमारा सिटी टूर, और अभी जो मैंने होटल दिखाया है ना ये 4 सीजन होटल था जिसमें प्लेयर लोग स्टे करना पसंद करते हैं। तो ये अपना पहला स्टॉप है, ये कोई आर्ट म्यूजियम है। तो ये देख लो यहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप है। और एक चीज है भाई, अंदर तो पता नहीं चल रहा था, बाहर भाई साहब जो नेक्स्ट लेवल का गर्मी है। तो अभी हम लोग अंदर से तो निकल गए हैं, लेकिन अंदर में सीन क्या हुआ ना, सूट अलाउ नहीं है, ना ही फोटो भी आप क्लिक नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं आपको अंदर ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो अभी देख लो अभी हम लोग आ गए हैं बुर्ज अल अरब के सामने, सामने में ही दिख रहा होगा वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव होटल भी आप बोल सकते हो, या फिर दुबई का सबसे एक्सपेंसिव होटल, और वर्ल्ड का ये ओनली 7 स्टार होटल भी है। वैसे तो मुझे ऐसा दिखाने का इसको बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे इसमें स्टे करके दिखाना था, लेकिन भाई साहब इसका जो रेट है ना सर के ऊपर से निकल जाएगा, आप एक बार गूगल करके देख लेना इसका। बाकी खैर एक काम करते हैं, मैं तो स्टोरी वगैरह ले लूंगा, मम्मी का कुछ बढ़िया फोटोज क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो ये मम्मी फर्स्ट टाइम बाहर का ऐसा बीच देख रही है, ऐसे तो मम्मी पूरी या फिर दीघा का समुद्र देखी हो, वो बीच में और ये बीच में क्या फर्क लगा हमें? कलर भी अलग लग रहा है ना एकदम। और सामने में ये बुर्ज अल अरब होटल, और ये कोई नया होटल भी बन रहा है, क्या नाम था मैं नाम भूल गया इसका। ये जो होटल है ना कुछ ऐसा शेप में बन रहा है देखो। तो ये देख लो जुमेरा बीच होटल, ये जो देख रहे हो ना ये वाटर पार्क है। होटल में शूट हुआ था हमारी अधूरी कहानी मूवी का एक सीन, शायद एक सॉन्ग शूट हुआ था। तो सच बताओ तो ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था ये अटलांटिस होटल को दिखाने का, मेरा मन था भाई स्टे करके ही दिखाते, लेकिन अब क्या करें, सिटी टूर का एक पार्ट है, इधर आए थे तो सोचे यही दिखाते। तो यहाँ से काफी मस्त भी हुआ है। वैसे मेरा ये होटल में स्टे करने का प्लान था, बट मैंने देखा इस पे बहुत सारा ऑलरेडी वीडियोस बना हुआ है, तो मैंने कोई दूसरा होटल चूज किया है, वो देख लेना आप लोग कौन सा होटल है कौन नहीं आने वाले वीडियो में। फिलहाल हाँ यही सामने अटलांटिस होटल, ये बेसिकली हम लोग पाम आइलैंड में है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, एरियल व्यू रहता तब देख पाते आप लोग। अभी हम लोग बस के अंदर आ गए हैं और बाहर जो गर्मी है ना, मम्मी बोल रही है मम्मी के बैग में कुछ चॉकलेट्स है, ये फ्लाइट में नहीं लिया था। देख लो ये चॉकलेट हमें एमिरेट्स में मिला था, ये अभी खाकर पानी पी लेते हैं थोड़ा। और वैसे अभी इंडिया टाइम कितना हुआ, अभी इंडिया में वैसे 1:40 हो रहा है, यहाँ पे कितना 12 बज रहा होगा।
देखते ही देखते अपना होटल भी आ गया, देख लो पार्क रेगिस। अभी हम लोग आ गए अपने होटल, अभी हम लोग को थोड़ी देर बाद निकलना है डेजर्ट सफारी के लिए। अंदर तो मस्त ठंडा ठंडा, पता ही नहीं चल रहा है। मेरे को लगता है यही रीजन है ना, यहाँ पे स्कूटी बाइक एकदम दिख ही नहीं रहा है। दिख भी रहा है तो बोलो तो कौन सा जो डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं, उन लोग को भी कितना परेशानी होता है। हाँ लेकिन देख नहीं रहे, पूरा गियर अप एकदम, पूरा गियर के साथ वो लोग हैं। तो चलो अपना फ्लोर आ गया। ये जो रूम में आने का सेटिस्फेक्शन है ना, ये अलग ही है। हमारा बेड वगैरह काफी अच्छे तरीके से सजा कर वो लोग रख दिए हैं। अच्छे होटल में रुकने का ये एक फायदा होता है, आपको बोलना भी नहीं पड़ता है। आप जब रूम में नहीं रहते हो, जो भी बिखरा हुआ सामान सब है उसको एक जगह करके ठीक कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि कोई रूम में नहीं जाएगा, तो कोई जाएंगे भी नहीं। सब कुछ मैंने इधर उधर रखा था, सब अच्छे से एक जगह कर दिए हम लोगों ने। अभी जस्ट हम लोग दुबई सिटी टूर लेकर आए, बाहर जो गर्मी है ना, रूम से निकलने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, तो जल्दी से होटल आ गया। रोहित थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, एक्चुअली हमारा 3:30 बजे का टाइमिंग था डेजर्ट सफारी के लिए। फिलहाल एक काम करता हूँ, जल्दी से चला जाता हूँ रिसेप्शन में, क्योंकि 3:45 का लास्ट कॉल था, तो हमारे कैब वाले भैया भी नीचे आ गए होंगे। तो एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं रिसेप्शन, फिर एक ही बार बाहर निकल के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं सामने बैठ जाता हूँ। कितना टाइम लगेगा यहाँ से? यहाँ से 45 मिनट लगते हैं डेजर्ट में पहुंचने के लिए। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप इंडिया से? इंडिया, कोलकाता। अभी हम लोग अपने कैब में बैठ चुके हैं, यहाँ से अभी हमें जाना होगा शारजा, जहाँ पे ये डेजर्ट सफारी होता है। तो हाँ, ये जो आप पैकेज बुक करोगे ना, इसी में आपका होटल से पिक एंड ड्रॉप सब कुछ रहेगा, और वहाँ जाके क्या क्या रहेगा वो तो मैं वहाँ जाके ही दिखा पाऊंगा। वैसे हमारे होटल से शारजा जाने में, जहाँ पे ये डेजर्ट सफारी होता है, 40 से 45 मिनट्स लगेगा जाने में वहाँ पे। वैसे अगर मैं यहाँ के लोकल टाइम की बात करूँ तो देख लो अभी 4 बज रहा है, अभी अपने इंडिया में 5:30 बज रहा है। इस वाले घड़ी को मैंने अभी तक सेट नहीं किया है, और आईफोन में तो अपने आप ही टाइम मतलब एडजस्ट हो जाता है आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो। तो ये ने तो हाँ अभी यहाँ पे 4 बजे है, अब देखो कब तक वहाँ पहुंचते हैं। और दुबई में एक चीज मैंने देखा है, फरारी हो गया, रोल्स रॉयस हो गया, मैक्लेरेन हो गया, और भी पता नहीं क्या क्या कार का नाम सब है, वो तो दिखते ही रहता है। खैर बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और एक जीएमसी, हॉलीवुड मूवी सब में बहुत मैंने देखा है उस कार को, वो सब कार तो दिखते ही रहता है यहाँ पे। और मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे वहाँ पे स्विफ्ट डिजायर ओला उबर में चलता है ना, वैसा लगता है यहाँ पे। बाकी हाँ टोयोटा का कार सब मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है। बस यही सब चीज है, और भी अगर ऐसा कुछ कुछ बात रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जितना कुछ मुझे पता चलेगा उतना कुछ मैं आपको भी बताऊंगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शारजा, यहीं पे होगा डेजर्ट सफारी। देखते हैं क्या क्या है अंदर में, क्या होता है क्या नहीं। मम्मी कैसा रहा ये जर्नी? स्मूथ था ना? जाते हैं अंदर, देखते क्या है सीन अंदर का। अभी मैं आ गया हूँ डेजर्ट सफारी के लिए। यहाँ पे आप आकर सेल्फ एटीवी चला सकते हो, ये सिंगल वाले का 150 धीरम प्राइस है, ये 150, ब्लू वाले 250। तो ये डेजर्ट सफारी में आते ही मैंने यहाँ का लुक ले लिया है, देख लो। ये स्कार्फ खरीदा, पता है कितने का मैंने ये स्कार्फ खरीदा है? 20 धीरम का। खैर कोई नहीं, वैसे तो मम्मी यहाँ पे बैठ गई है, मम्मी जाएगी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कुछ राइड ले लूँ। 210 धर्म ले लिया आपने, ये आप ले आओ 100 110, ये रखिए अभी। हाँ जी, तो अभी मैं लेने वाला हूँ ये एटीवी राइड। भाई बहुत एक्सपेंसिव है इधर, अब दुबई में आप है तो भाई एक्सपेंसिव तो होगा ही। 150 धीरम का ये है, 25 मिनट का राइड होने वाला है, मैंने डॉलर में पे किया है। That's it. तो अभी मैं ये राइड ले रहा हूँ, एक हाथ से इसको चलाना और एक हाथ से ब्लॉग बनाना बहुत ही दिक्कत हो रहा है। बाकी देख लो, भाई अपने सारे इंडियन भाई हैं, तो अभी डर लग रहा है मेरे को बहुत, कौन कहाँ ठोक दे पता भी नहीं चलेगा। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा चला लेते हैं, लास्ट में आपको थोड़ा बता देंगे कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस बता देंगे। मम्मी अगर पीछे होती तो मम्मी को कैमरा में दे देता, लेकिन मम्मी है नहीं। तो एक काम करते हैं, पहले अच्छे से चला लेते हैं। 25 मिनट का ये राइड है, अभी ऑलरेडी कितना हो गया, मैं तो टाइम ही नहीं देखा। चला लेंगे फिर 15-20 मिनट बाद चले जाएंगे, क्या है।
तो भाई ये जो डेजर्ट सफारी बोलो क्या बोलो पता नहीं ये क्या था, जो भी था भाई पूरा एडवेंचर से भरा हुआ था। पिक्चर फोटो तभी मम्मी लेगी फोटो बाज के साथ, तो वो बाज के साथ फोटो क्लिक करवाने का पता है कितना लगा? 10 dirham for 2 person। ये डेजर्ट सफारी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये सब जर्नी बहुत याद रहेगा। भाई इसीलिए तो इसको दुबई बोलता है ना। और भाई ये बताना ये स्कार्फ कैसा लग रहा है? मम्मी कैसा लग रहा है इसका? बहुत अच्छा लग रहा है। डेजर्ट सफारी के बाद यहाँ पे एक ब्रेक लिया गया जिसके शूज में रेत वगैरह चला गया उसके लिए। और एक्चुअली डेजर्ट सफारी के लिए जाने के लिए ना चारों टायर का हवा एकदम कम करना पड़ता है तभी रेत पे चल पाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारे कार का लिया जा रहा है हवा। भाई ये टोयोटा का जो भी मॉडल है ना आपने इंडिया में भी होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन ये इसमें लॉन्ग जर्नी आराम से कर लूंगा। भाई मैं बता दूं फॉर्च्यूनर से जब 2018 में मैं कोलकाता टू असम गया था, तिनसुकिया वो भी। يمكن غلام وانا ما ادري سيره تجيك انا ما ادري कहीं घुमा नहीं रहा, कहीं घुमा नहीं रहा, इतना घूमोगे कि थक जाओगे। घूमते रहो, चलो कावा पीना है कावा। तो ये एंटर करते ही अरबिक कावा मिला है हमें। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं वो अरबियन डांस, क्या बोलते हैं उसको, अरबिक डांस देखने के लिए। और वैसे ये जो डेजर्ट सफारी का आप जब पैकेज लेते हो ना इसी में सब कुछ इंक्लूड रहता है, जो भी आपने देखा जो भी मैंने सब किया। और यहाँ पे अगर आप आते हो ना ऐसा जगह मिलेगा बैठने के लिए, बट सीन क्या है मेरे साथ मम्मी है, मम्मी अगर नीचे बैठती है तो दिक्कत होगा, तो इसलिए मैंने एक साइड में टेबल ले लिया है। तो हाँ साइड में टेबल लेने के लिए भी सामने में स्टेज भी है और जस्ट यहाँ पे हम लोगों ने टेबल ले लिया है। तो इसके लिए मैंने 100 dirham पे किया है, 50 dirham पर पर्सन। तो हाँ भाई बहुत महंगा है। पैकेज तो था ही हमारा, फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड था, टैटू वगैरह भी इंक्लूड है। क्या क्या होगा मैं बता दूंगा आपको। और बाकी यहाँ पे शीशा बहुत लोग ले रहे हैं क्योंकि जब से हम लोग इधर आए हैं तब से हुक्का का इसमें लाया जा रहा है। अदरवाइज यही है। अभी सबसे पहले देख लो यहाँ पे स्टार्टर आ गया है जो कि है यहाँ पे पकौड़ा, क्या पकौड़ा है पता नहीं, क्या फलाफल बोल रहे थे ये। सॉफ्ट ड्रिंक, पानी, बहुत कुछ देकर गए हैं। और वहाँ पे लगा हुआ है बूफे इनका, तो वहाँ जाकर भी मैं दिखा दूंगा क्या क्या खाने में है। फिलहाल बहुत जोर का भूख लगा है, दोपहर से हम लोग कुछ खाए नहीं है, वही सुबह आधा ब्रेकफास्ट छोड़कर भागे थे, तब से कुछ खाने का मौका ही नहीं मिला। वही बस एक दो जगह हम लोगों ने डाब पिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देख लो ये बूफे है, यहाँ पे खाने का ऑप्शन तो बहुत सारा दिख रहा है। तो देख लो ये मैं अभी खाना अपने लिए लेकर आ गया हूँ, ये सारे कबाब है, चिकन कबाब का ही ऑप्शन था यहाँ पे। और ये साथ ही कुछ मिक्स राइस टाइप का लग रहा था, ये ले लिया मैंने, मेरा यही होने वाला डिनर। बाकी यहाँ मम्मी अपना पकौड़ा एंजॉय किए जा रहे हैं। अभी तक प्रोग्राम ऐसे हुआ नहीं है, वैसे तो काफी कुछ का ऑप्शन था, प्लेन राइस, वेज में मैंने देखा बहुत कम ऑप्शन था, लेकिन था, ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं था, था ये थोड़ा कम ऑप्शन था। वैसे तो मम्मी नीचे नहीं बैठ पाते इसलिए मैं मम्मी को इस वाले सेक्शन में लेकर आ गया, लेकिन मैं बता दूं अभी मुझे आइडिया लगा कि ये वाले सेक्शन का खाना पीना भी अलग है, देख लो वहाँ पे। और इस वाले सेक्शन का खाना यहाँ पे था जो कि हम लोग खा रहे थे यहाँ पे, इसको वैसे काफी लोग बोल रहे हैं VIP सेक्शन, क्योंकि मम्मी भी दो बार गई वहाँ पे, मैं भी गया तो वो पूछे कि आप कौन से सेक्शन में है, VIP सेक्शन में, तब मुझे वहाँ खाने के पास जो बूफे है ना वहाँ एक्सेस करने दिए। बाकी ये जो नॉर्मल वाला है ना इसका बूफे भी काफी लेट स्टार्ट हुआ, तो ये एक चीज है। तो अभी होने वाला है यहाँ पे फायर शो, डांस वगैरह तो हो गया, तो डांस वगैरह में उतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे, तो इसलिए मैं उतना ज्यादा कुछ दिखाया भी नहीं आपको। ये होने वाला है फायर शो,
अरेबिक डांस एंड फायर शो वगैरह देखने के बाद हम लोग रूम आ गए थे और सबसे अच्छा मुझे वो फायर शो लगा। रात में तो मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया और इसलिए सोचा चलो एक ही बार सुबह मैं आपको प्राइस वगैरह भी बता दूंगा। अगर आप भी जाने का सोच रहे हो डेजर्ट सफारी के लिए, आप इसको कितने में बुक कर सकते हो? वैसे तो ये जो मेरा पैकेज है ना उसी में सब कुछ इंक्लूड था। ये मेरा डेजर्ट सफारी वगैरह सब कुछ जो भी मैं करने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में, ये सब कुछ मेरे पैकेज में इंक्लूड है। कुछ भी अगर पैकेज से बाहर में करूंगा वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हाँ आपको बस ये डेजर्ट सफारी के लिए जाना है तो मैं बता दूं पर पर्सन 4000 के आसपास लगा। हम दो लोग थे तो वही समझ लो 8000 रुपए लग गया। और अलग से मैंने वो 100 दिरहम का जो लाइक अपना जो सीट है उसको अपग्रेड करवाया। नीचे में बैठने वाला ऑप्शन था लेकिन मेरे को चेयर चाहिए था तो वो भी एक सीन था। ऐसे पर पर्सन 4000 में आपको मिल जाएगा ये डेजर्ट सफारी का पैकेज, जिसमें आपका डेजर्ट सफारी रहेगा, वो अरेबिक डांस, फायर शो, साथ में वहाँ पे बुफे वगैरह सब कुछ रहेगा और होटल से पिक एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन मिलता है आपको। तो हाँ ये 4000 पर पर्सन में ये सारा पैकेज आप बुक कर सकते हो। आप देख लेना आप लोग टोटल कितने लोग हो उसी हिसाब से बुक करना। फिलहाल ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।